एम्पियर, कंटिन्यूटी डायोड टेस्टिंग, ओम्स टेस्टिंग, डीसी वोल्ट टेस्टिंग, एसी वोल्ट टेस्टिंग, कैपेसिटेंस टेस्टिंग, डीसी एम्पियर टेस्टिंग। एसी एम्पियर टेस्टिंग आज इसके बारे में बात होगा, ठीक है। इसमें ऑल डिटेल सबका जितना भी है सारा चीज़ का जानकारी देंगे मल्टीमीटर के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए नीचे में भी और चेंज करना पड़ता है, जैसे एम्पियर के लिए है ये कॉमन यूज होगा, मिली एम्पियर के लिए है, और कैपेसिटेंस के लिए ये यूज होगा आपका ये, और वोल्ट के लिए ये है वोल्ट, और ओम्स टेस्टिंग के लिए ये है। तो ये यहाँ पर कनेक्शन होगा, हर मल्टीमीटर में ये ध्यान रखना है। एम्पियर के लिए ये आपका रेड वाला ये आएगा, कमन आपका एक ही रहेगा, ठीक है। ये कमन जो है ब्लैक वाला एक ही रहेगा, ये अभी इधर उधर होते रहेगा, ठीक है। वोल्ट के लिए ये है मिली एम्पियर, और आपका कैपेसिटेंस के लिए ये है, और एसी एम्पियर डीसी एम्पियर टेस्ट करने के लिए 10 एम्पियर मैक्सिमम इसका है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये इस्तेमाल करना है मल्टीमीटर का, तो सारा जानकारी इसका दिया जाएगा, ठीक है। और सी क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे इस मल्टीमीटर के बारे में। और यदि परचेस करना चाहते हैं इस तरह का मल्टीमीटर, जैसे ये मल्टीमीटर हो गया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस तरह का मल्टीमीटर परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज मैं बात करूंगा डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। तो जैसे ये मल्टीमीटर है, ये कुछ स्पेशल है, क्योंकि और जो मल्टीमीटर आपका रहता है उसमें आपको जैसे लोकल वाला हो गया, ये आपको इसमें जो फैसिलिटी है इसमें वो नहीं है, एक ही फैसिलिटी इसमें ज़्यादा है लेकिन इसमें नहीं है। और भी आपको मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से इसमें जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है वो क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे, और इसमें क्या क्या मल्टीमीटर में हम लोग काम कर सकते हैं इसके बारे में भी, और इसमें मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या इसमें काम कर सकते हैं इसका जानकारी भी देंगे। लेकिन इस मल्टीमीटर से, ये मल्टीमीटर में भी दिखा सकता हूँ लेकिन इसमें फैसिलिटी एक्स्ट्रा दिया हुआ, इसलिए इस मल्टीमीटर के द्वारा आपको दिखा दूंगा। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि जानकारी मिलेगा। ऑटोमेशन में बहुत सारा आता है, जैसे बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, ये तो हो गया, फिर फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक्सेस 10x लाइटिंग कंट्रोलिंग, फिर आपका नॉइस कूलिंग सिस्टम, एयरपोर्ट रनवे लाइट कंट्रोल वायरिंग। ये पहले जो मल्टीमीटर है इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे नॉर्मल वाला में जो है ये, इससे एक्स्ट्रा चीज़ जो है जैसे कि ऑटो पावर ऑफ, मतलब जैसे ऑन करके मैं रख दिया हूँ, ठीक है, आप कहीं चल गए हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका पावर ऑफ हो जाएगा। मैनुअली आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन काम नहीं हो रहा तो कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक पावर ऑफ। पावर बटन ये है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम ए टर्मिनल, मतलब मिली एम्पियर टर्मिनल, मिली एम्पियर टर्मिनल ये है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 एम्पियर टर्मिनल, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का टर्मिनल ब्लॉक ये है, ठीक है, टर्मिनल ब्लॉक। फिर आपका LCD डिस्प्ले ये है, फिर आपका रेंज स्विच। तो रेंज स्विच में यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखिए, इसको घुमाने से आपको जैसे मल्टीमीटर को घुमाते हैं ना तो इसको पता चल जाएगा घुमाने से, नॉर्मल वाला जैसे ये देखिए, ठीक है। और जैसे आपका जो ये राइट वाला है, राइट वाला क्या है, वोल्ट और ओम्स का ये मार्किंग दिया हुआ, वोल्ट्स और ओम्स, वोल्ट्स ओम्स टर्मिनल ये है। और जैसे आपका कमन टर्मिनल है, ये तीनों का कमन टर्मिनल जो है ये कमन टर्मिनल, यहाँ पर ब्लैक वाला केबल हम लोग लगाते हैं, और आपका ये जैसे मैं लगा देता हूँ, ठीक है, और वोल्ट में ये लगाते हैं। तो इसमें आपका वोल्ट और आपका ओम्स बताएगा ये दोनों में। और यदि हम लोग कहीं पर 10 एम्पियर चेक करना है, जैसे एम्पियर हो गया, एसी डीसी दोनों है, इसमें प्लस पॉइंट ये है, जैसे आपका एसी एम्पियर आपका इसके द्वारा चेक होगा और डीसी एम्पियर इसके द्वारा चेक होगा, जैसे मार्किंग दिया हुआ देख लीजिए। और नॉर्मली में क्या होता है, जैसे ये है, इसमें आपका वोल्ट आपका डीसी ये है, एसी ये है, एम्पियर डीसी ये है, लेकिन एसी का यहाँ पर नहीं है, एसी का एम्पियर इसके द्वारा हम लोग चेक नहीं कर सकते, एसी एम्पियर इसके द्वारा चेक नहीं कर सकते। और इसमें भी सेम आपका ये जो है मल्टीमीटर, इसमें कहीं पर एसी का टर्मिनल नहीं है कि एसी हम लोग एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और आपका पावर बटन जो है ऑटोमेटिक आपका ऑफ हो जाएगा। ये दोनों हो गया, जो प्लस पॉइंट ये है एसी एम्पियर, नॉर्मली जो इस तरह का है, जैसे इससे इसका ज़्यादा दाम है, इससे इसका ज़्यादा दाम है, इसका कुछ 800 रुपया दाम है, ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, और इसका दाम है 500 रुपया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू दिया हुआ, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा साइज़ का है और ये छोटा साइज़ का, ये ज़्यादा दिन से टिका हुआ है, लेकिन ये अभी नया परचेस किया हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, इसका भी लिंक मिल जाएगा, और यदि आप ये छोटा वाला परचेस करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जब ऑटोमेशन का काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर हम लोग को कौन सा प्रोवाइड करते हैं, यही वाला प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये मल्टीमीटर जो है एक महीना तक चल गया तो मतलब किस्मत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इतना मतलब जो टूल्स वगैरह ले जाते हैं और भी ले जाता है उसी बॉक्स में डालना पड़ता है, या बोरा वगैरह जो भी रहता है उसमें डाल देते हैं, तो इधर उधर करके एक महीना तक चल जाता है हम लोग का पास, उससे ज़्यादा चल जाता तो हम लोग का जो परचेस करने वाला है उनका ही सही है। तो इसके द्वारा हम लोग सारा चीज़ करते हैं, क्योंकि मतलब मेरा पास अकेले नहीं रहता है, और भी कोई ले जाता है अगर काम काम कर रहा है, तो उसके वहाँ यहाँ इधर उधर करते करते एक महीना तक चल गया तो ठीक ठाक है, इसका अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्रिटिकल सिंबल का कुछ जानकारी दे देता हूँ, सबसे पहले जो ऊपर में आपका बाएं तरफ दिख रहा है सीधा मार्किंग दिया हुआ, नीचे में ट्रिपल डॉट है, तो डीसी करंट डायरेक्ट करंट वो है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट, जो आपका इस तरह का मार्किंग दिया हुआ है, फिर आपका नीचे में डीसी और एसी, फिर नीचे में क्या है, इंपॉर्टेंट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन रिफर टू द मैनुअल, ये मार्किंग दिया हुआ, सेफ्टी करके वहाँ पर काम करना है तो ये मार्किंग वहाँ पर लगा हुआ रहता है। फिर उसका नीचे में और मार्किंग डेंजरस वाला जो है आपका 440 240, जहाँ पर इस तरह का वोल्ट दिया रहा था वहाँ पर पहाड़ में मार्किंग दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर डेंजरस वोल्टेज में भी प्रेजेंट मार्किंग दिया हुआ। उसका नीचे में देख लीजिए अर्थ का है, अर्थ का,
छोटा सा है वो पता नहीं चला। अर्थ ग्राउंड का वो मार्किंग है, अर्थ आपका पैनल में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में रहेगा, बहुत सारा जगह में अर्थ का यहाँ पर मार्किंग दिया रहता है। फिर नीचे में देख लीजिए प्लस माइनस का मार्किंग है, वो लो बैटरी के लिए दिया हुआ है। फिर फ्यूज का मार्किंग है, फिर डायोड का मार्किंग है, फिर कंटिन्यूटी टेस्ट, फिर आपका सी जो मार्किंग लिखा है इसका मतलब क्या है। सी का मतलब होता है आपका कन्फर्म्स टू यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव, ये हो गया। फिर नीचे में और एक मार्किंग दिया हुआ है चतुर्भुज टाइप का, चार फुट टाइप का है, ठीक है। ये क्या है, डबल इंसुलेटेड, डबल इंसुलेटेड जहाँ किया जाता है वहाँ इस तरह का मार्किंग दिया हुआ रहता है। तो ये सारा डिटेल्स इस मल्टीमीटर का दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए। कंटिन्यूटी यहाँ पर जैसे बाजार बढ़ते रहता है, हर चीज़ का कंटिन्यूटी आपको मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी जैसे यहाँ पर ये काम करेगा, कंटिन्यूटी आप चेक करा देता हूँ, जैसे एक फ्यूज को आपको चेक करा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दो फ्यूज है, ठीक है। दोनों में से आपको पता नहीं चलेगा, हल्का देख लीजिए, ठीक है। इसका अंदर से केबल जुड़ा हुआ है, इसमें भी आपको अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा देख लीजिए केबल जुड़ा हुआ, लेकिन कौन वाला फ्यूज हुआ है ये जानकारी आपको मिलेगा। तो इसके लिए कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करेंगे दोनों तरफ, इसका दोनों तरफ बाजार लगाएंगे, इसका सॉरी दोनों तरफ नॉब लगाएंगे इस तरह का, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा तो मतलब ये फ्यूज है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा तो ये सही है, तो ये कंटिन्यूटी टेस्ट ये हो जाता है। तो ये जैसे डायोड है, डायोड चेक कैसे करना है, माइनस जो ये चांदी कलर का दिख रहा है आपका, ठीक है, इस तरफ लगाना है, और प्लस इस तरफ जो आप लोग हम लोग का कंटिन्यूटी जो नब होता है ये, ठीक है, इसमें इस तरह का लगाना है, तब इसका वैल्यू बताएगा डायोड का। और यदि हम इस तरह का लगाते हैं तब ये वैल्यू नहीं बताएगा। तो ये चेक करते समय ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह का टेस्ट करना है। छोटा वाला इंडिकेटर है सेम, इसको भी डायोड की तरह चेक कर सकते हैं। तो इसको एक तरफ आपका काम करेगा, एक तरफ नहीं करता, तो ये वाला आपका काम करेगा, हल्का लाइट जलेगा, ठीक है, जैसे आपको हल्का लाइट शो हो रहा है, तो इस तरह से चेक करना है। अब इसको घुमा के चेक करते तो नहीं काम करेगा, जैसे यहाँ पर मैं घुमा के यहाँ पर टच करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, एक तरफ से काम करता है। जैसे आपका डायोड पहले काम किया था इसी तरह से ये भी काम करता है। जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, ये भी सब उसी तरह का काम करेगा। ये आपका प्लस पे प्लस लगाना है, माइनस पे माइनस लगाना है, तब आपका वैल्यू बताएगा। जैसे मैं प्लस पे प्लस लगाया हूँ और माइनस पे माइनस, तब आपका वैल्यू बताएगा। और यहाँ पर मैं इंटरचेंज करूँगा तो वैल्यू नहीं बताएगा, जैसे माइनस प्लस करके अलग करके दिया हूँ तो आपका वैल्यू कुछ भी नहीं बता रहा है। और जैसे ही मैं माइनस माइनस प्लस प्लस पे लगा रहा हूँ तो वैल्यू बता रहा है, मतलब ये सही है। अब जैसे इसका कैपेसिटर को भी हम लोग कंटिन्यूटी पे लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी विथ डायोड दोनों चेक होगा आपका। जैसे यहाँ पर पहले मैं बता दिया हूँ, ठीक है, डायोड का मार्किंग दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए आपका डायोड का मार्किंग दिया हुआ, ये देखिए डायोड का, तो यहाँ पर आपका कंटिन्यूटी का नीचे डायोड का निशाना दिया हुआ, कंटिन्यूटी का नीचे डायोड का निशाना दिया हुआ। तो कैपेसिटर को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये जैसे कैपेसिटर है इसको इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे वैल्यू बता रहा है आपका, ये देखिए मतलब सही है आपका कैपेसिटर, ठीक है। अब हम लोग अगला क्या जानेंगे, जैसे यहाँ पर बता रहा है 200 2K 20K 20 200K 2 मेगा 20 मेगा 200 मेगा ओम्स, ये ओम्स का मार्किंग है। यहाँ पर भी आपका ओम्स का मार्किंग दिया हुआ, ठीक, यहाँ ये देख लीजिए ओम्स का, ये हम लोग ओम्स टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले 200 में लगाते हैं, तो 200 के लिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी का एक कोई ले लेते हैं, ठीक है, एक चेक करते हैं। तो जैसे आपका ये एक चेक करते हैं, जैसे 200 में लगा हुआ तो यहाँ पर कितना बताएगा, ये देखिए 15.12 ऐसा बता रहा, 15.12 ओम्स, ठीक है। अब इसको हम लोग ज़्यादा में अगर गलती से चेक करते हैं तो 0.013 बता रहा, ठीक है। तो आपका 200 में जो कम वाला है आपका 200 में चेक करना है, ज़्यादा में नहीं। अब जैसे नीचे वाला जो ये ज़्यादा क्या, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर जानकारी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2K पर लगाते हैं, 2 किलो पर ओम्स पर लगाते हैं जो चेक करते हैं, तो उसमें भी नहीं बता रहा। तो 20 किलो ओम्स पर लगाते हैं तो उसमें बता रहा 5.60। तो सही जगह पर लगाना जरूरी है, तभी आपका यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। तो ये आपका ओम्स का टेस्ट हो गया, कि मतलब हम लोग को जहाँ चाहिए वहीं पर जाके टेस्ट करना, जैसे ज़्यादा वाला है कम से टेस्ट करते हुए जाएंगे 200 मेगा ओम्स तक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का कम से कम ही रहता है छोटा मोटा चीज़। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देख लीजिए वोल्ट का टेस्ट, वोल्ट यहाँ पर बता रहा है वोल्ट का, ये वोल्ट का मार्किंग है, डीसी वोल्ट, डीसी यहाँ पर 200 एम, फिर 2, फिर 20, फिर 200, फिर 1000, तो डीसी वोल्ट यहाँ पर बताएगा। तो डीसी वोल्ट थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग को डीसी वोल्ट टेस्ट करना है, चेक करना है, तो यहाँ पर बता रहा है आपका इनपुट 100 से लेकर 270 एसी 50-60 हर्ट्ज बता रहा है, आउटपुट डीसी 9 वोल्ट 1 एम्पियर देगा, ठीक है। तो ये डीसी वोल्ट सप्लाई देगा, इसका आउटपुट में ये एंड में टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पावर सप्लाई में कनेक्शन करता हूँ तो डीसी वोल्ट इसका जानकारी हो जाएगा। तो जैसे इसका पावर कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है, अब ये अंदर वाला में प्लस देता हूँ, ठीक है, और बाहर वाला में माइनस, तो आपका 9 वोल्ट डीसी बता रहा है, 9.62 मतलब 9.5 डीसी आउटपुट दे रहा है। तो ये डीसी चेक करने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है कि मतलब कितना आपका आउटपुट देता है, उस हिसाब से वहाँ पर इस मार्किंग पे लगाना है। जैसे 160 है, 190 है, तो 200 से कम में 20 से ऊपर में लगाना है, ठीक है। फिर 200 से अधिक में आपको डीसी करंट चेक करना है, सॉरी डीसी वोल्टेज चेक करना है, तो 200 से 1000 में लगाना है, इस हिसाब से चेक करना है। यहाँ पर एक बैटरी है, इस बैटरी को भी हम लोग वोल्टेज से चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका डीसी वोल्ट है, बैटरी जो है डीसी वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 20 में लगा दिया क्योंकि ये 9 वोल्ट का है, तो इसको भी चेक कर लेता हूँ। जैसे माइनस प्लस पे लगाया हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इंटरचेंज बता रहा है, मतलब उल्टा लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेना है, ठीक है, आपका यहाँ पर भी ये 9.55 बता रहा है वोल्ट का है, ठीक है। तो डीसी वोल्ट टेस्ट हो गया, ये सभी चीज़ मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कम बेसी थोड़ा रहता है, ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। और आते हैं उसके बाद है आपका ये जो येलो मार्किंग दिया हुआ है, ये जो है वोल्ट एसी वोल्ट का मार्किंग। तो यहाँ पर 200 एम, फिर 2, 20, 200, फिर 750 दिया हुआ है। तो हम लोग का जो क्रम है 220, 40,
240 से 250 तक रहता है, फिर 180 90 तक भी रहता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका एसी वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो एसी पे मैं लगा देता हूँ, जैसे अभी हम लोग का 200 से अधिक होगा, ठीक है। तो चेक करा देता हूँ, एसी वोल्टेज में मैं कनेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पर बता रहा है 222 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 200 पे लगाएंगे तो काम नहीं होगा, 200 से अधिक पे लगाना होगा, ठीक है। तो 222 वोल्ट आपका शो हो रहा है, तो एसी वोल्ट चेक करने के लिए। तो मान लीजिए हम लोग को अभी चेक करना है 200 से कम वाला और 20 से अधिक वाला, तो हम लोग कहाँ लगाएंगे? 200 पे लगाना होगा, क्योंकि 750 पे ये मार्क ये आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। तो 200 पे लगा दिया। 24 वोल्ट का एसी जो पावर ट्रांसफार्मर रहता है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये जैसे हम लोग का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये इसमें पावर सप्लाई मैं दे देता हूँ। ट्रांसफार्मर का आउटपुट में हम लोग मल्टीमीटर का लगा दिया हूँ ना, ठीक है। और यहाँ पर 200 में लगा दिया हूँ, तो 20 से ऊपर है और 200 से नीचे है, 24 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर है। तो इसको पावर ऑन करके अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपको ये जानकारी मिलेगा, ये देखिए 23.7 वोल्ट एसी आउटपुट इसका वोल्ट बता रहा है, 23.7 वोल्ट एसी आउटपुट बता रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से चेक कीजिएगा आपका एसी वोल्ट। हमारा एसी वोल्टेज टेस्टिंग हो गया, ठीक है। आप नीचे में आता है ये कैपेसिटेंस टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कैपेसिटेंस चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कैपेसिटेंस जब चेक कीजिएगा तो इसका मार्किंग दिया हुआ ये है, मिली एम्पियर जहाँ लिखा हुआ इसी में चेक होगा। तो रेड वाला जो ये नब है इसको यहाँ पर लगाना है इसमें, तब आपका चेक होगा, ठीक है। यहाँ लगा के चेक करना है। 10, 200 और भी लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग छोटा कैपेसिटर पहले टेस्ट करते हैं, जैसे ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला है, तो इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इस नब को 20 पर, 20 पर लगे पर लगा हुआ है, 20 पर चेक कर लेता हूँ। ये एकदम छोटा है, इसका नब 20 पर चेक कर लेता हूँ, तो कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। आप थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, 200 में देता हूँ, 200 में भी कुछ भी नहीं है। आप इसे थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है 0.275। तो ये कैपेसिटेंस का रेंज है आपका 0.275, इसका वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो आप इससे बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि उससे बड़ा ये वाला है, तो इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों नाब है यहाँ पर, ये यार ये चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया हूँ, नाब उतना पे रखा हुआ है, उसको चेक करते, तो बता था कि नहीं कैपेसिटेंस आपका, जैसे आपका कुछ भी नहीं बता रहा, आपका कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उससे बड़ा है तो आगे इसका ज़्यादा ही वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको भी चेक कर, हाँ यहाँ पर भी आपका कुछ भी नहीं बता रहा, तो और आगे बढ़ाते और एक बार लास्ट वाला में चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हो गया लास्ट वाला, तो इसको चेक करता हूँ, तो इसमें तो बताना चाहिए, हाँ, जैसे यहाँ पर बता रहा है 128.6, तो इसका वैल्यू बता रहा है 128.6 की, तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू बता रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये जानकारी हो गया कैपेसिटेंस का टेस्ट कैसे करना है। अब जैसे कैपेसिटर टेस्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद आते हैं एम्पियर, डीसी एम्पियर टेस्ट होगा, इसमें डीसी एम्पियर टेस्ट होगा। यहाँ पर बता रहा आपका 200 फिर 2 एम 20 एम फिर 200 एम फिर 10 एम्पियर, ठीक है। तो 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, उससे भी नीचे वाला आपका। तो जैसे डीसी वोल्ट चेक करने के लिए मैं एक यहाँ पर मोटर लिया हूँ, ठीक है। मोटर को मैं यहाँ पर पावर सप्लाई दिया हूँ, ये एसी ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये डीसी कन्वर्ट करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मोटर को लिया हूँ, मोटर का जो एक केबल है आउटपुट वाला, ठीक है, उसमें एक नब कनेक्शन कर दिया, ठीक है। और दूसरा नब जो हो उधर से आएगा उसमें कनेक्शन करना, तो इसको थोड़ा पलटना होगा, एक दिया हुआ है इसका बैक साइड में, इसको कनेक्शन करेंगे तो मोटर हमारा रन होगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको मोड़ लेता हूँ, तो इसको एम्पियर में मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मोटर है ये छोटा है, ठीक है, तो इसलिए मिली एम्पियर में सेट होगा, ठीक है। कम से कम पहले 200 में रखते हैं, ठीक है। तो 200 में चेक करते हैं, यहाँ पर मल्टीमीटर का चेक 200 मिली एम्पियर बाएं तरफ वाला, 10 एम्पियर जो है दाएं तरफ वाला कनेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए मोटर घूम रहा है, मोटर घूम रहा है और 12.6 मतलब 12 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है डीसी, ठीक है, 12 मिली एम्पियर। यहाँ पर पूरा सही तरीके से टच नहीं हो रहा, इस कारण रुक रुक के चल रहा है मोटर, ठीक है। तो फिर से लगा देता हूँ 12 मिली एम्पियर। तो जैसे 200 में लगा हुआ, लेकिन इसको 20 में भी लगाएंगे तो हमारा काम होगा, ठीक है। तो लगाते हैं 20 पे, तो जैसे 20 में लगा दिया, अब इसको कनेक्शन करते हैं, ठीक है, हो गया 12.60 मतलब 12 मिली एम्पियर, ठीक है, 12 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये डीसी चेक हो गया, ठीक है। और जैसे 12 से अधिक रहेगा तो 200 में लगाना है, 200 से अधिक रहता है जैसे आपका 300, 400 या 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 5 6 10 तक एम्पियर तक आप डीसी करंट 10 में लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो 200 से जैसे ज़्यादा करेंगे आप, तो यहाँ पर ये आपको 200 पे लगाया, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पर आपको 10 पे लगाना होगा, ठीक है, इसमें ये 10 पे लगाना होगा। जब मिली एम्पियर आप चेक करेंगे तो 220 फिर 2 यहाँ पर इसको लगाना होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें लगा के हम लोग चेक किए हैं। अब यदि 10 एम्पियर पे चेक करना है तो हम लोग को यहाँ पर इसमें लगा के चेक करना होगा। तो ये 10 एम्पियर का आपका डीसी करंट बताएगा। तो ये हो गया डीसी करंट। उसके बाद हमारा क्या आता है, एसी, एसी का मार्किंग दिया हुआ, ठीक है, एसी का मार्किंग है। तो एसी का हम लोग वोल्टेज, सॉरी, एसी का करंट हम लोग टेस्ट करते हैं, एसी का। अब जैसे एसी एम्पियर टेस्ट करना है, तो एसी एम्पियर पे हम लोग यहाँ पर मिली एम्पियर में टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम 10 पे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा, क्योंकि 100 बार देंगे तो भी 40
मतलब हाफ एम्पियर तक का जाएगा 10 कम। तो अभी ये एसी का मार्किंग है, एसी एम्पियर टेस्ट होगा, ठीक है। तो एसी एम्पियर 10 पे लगा हुआ, 10 एम्पियर पे। तो मैं अभी उसके लिए क्या किया हूँ, यहाँ एक्सटेंशन बॉक्स लिया हूँ, 100 वाट का एक बल्ब लिया हूँ और उसका जम्पर वायर लिया हूँ, ठीक है। तो जैसे न्यूट्रल को मैं कनेक्शन कर देता हूँ, न्यूट्रल कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। और यह है आपका फेज नब, ठीक है, ये नब है। और दूसरा नब जो है इसमें कनेक्शन होगा, ये तब आपका एम्पियर टेस्ट होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसे कनेक्शन कर दिया हूँ, अब चेक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रहा है आपका 0.39 मिली एम्पियर, 0.39 मिली एम्पियर आपका बता रहा है, 100 वाट का बल्ब है। जैसे अभी 214-15 वोल्ट है, तो जैसे लोड देता हूँ तो वोल्टेज हमारा घट जाता है। जैसे ये देखिए 206 पे आ गया, तो हमारा वोल्ट अभी सही नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वाट कितना दिया हुआ है ये चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर का सहायता लेंगे। हमारा वोल्ट जो है 215 × 0.39 एम्पियर को समान करते हैं तो 83.85 वाट, यानी कि इतना वाट का तो नहीं है, 100 वाट का है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इसलिए कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ये कहना है बहुत सारा लोगों का, इसलिए ऐसा होता है। और जैसे कि मतलब मेरा कहना है कि 245 से 50 तक ये मतलब आपका वोल्ट रहेगा तो तब एम्पियर आपका सही बताएगा। और जैसे 240, 30, 20, 10, 200 इतना आपका वोल्ट आपका रहेगा, फील्ड में लोड कोई भी दीजिएगा तो एम्पियर आपका सही नहीं बताएगा। जब तक आपका 245 से 50, 60 वोल्ट होना चाहिए तब आपका एम्पियर पूरा एक्यूरेट प्रॉपर तरीके से बताएगा। 215 वोल्ट यदि आता है आपका इनपुट और फील्ड में 215 वाट का बल्ब लगाते हैं तो 1 एम्पियर आपका करंट फ्लो नहीं होगा, ये 100% है। लेकिन हम लोग हर जगह कैलकुलेटर का सहायता से बता देते हैं कि 1 एम्पियर आपका करंट फ्लो होगा, क्योंकि हम लोग का जो घरों में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और हर जगह में ऐसा वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस ऑन करते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज आपका ड्रॉप होगा ही।